तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द विद सॉल्यूशंस। और आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 4 मार्च को जो आपका मराठी का पेपर है वो हार्ड वाले वाला है, इजी आने वाला है या मीडियम आने वाला है। और तो और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका नया पेपर पैटर्न कैसा है, आपको कौन सा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और फटाफट से चैनल को अपने नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो सामने आप पेपर देख रहे हो, ये पेपर है आपको 2024 का, यानी कि अभी जो आपके मराठी मीडियम और सेमी मीडियम दोस्तों का जो भी पेपर हुआ है वही पेपर मैं आपको लेके आई हूँ, वही पेपर हम स्टडी करेंगे और उसपे से ही हम समझेंगे कि आपका जो 4 मार्च का पेपर है वो हार्ड आने वाला है, इंटरमीडिएट आने वाला है या बहुत ही ज्यादा इजी आने वाला है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको सूचना दी जाती है कि आपको पेपर में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको विभाग एक आएगा गद्य। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा गद्य पूरा आपको आएगा एक पेज भर के, उस गद्य के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तरी लीहा लिखना है, यानी कि जो भी आपको सूचना दी जाएगी यानी कि जो भी आपको बोला जाएगा वैसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आएगा कोद ते लीहा, यानी कि ये जो बात है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाएगा वो बात किसने की, ये आपको लिखना है और यहाँ पे आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा। हमेशा आपको थर्ड क्वेश्चन जो आने वाला है दैट इज आने वाला है आपको स्वमत। ठीक है, आपको स्वमत जो आने वाला है वो हमेशा 3 मार्क के लिए आने वाला है। तो स्वमत के लिए आपको क्या करना है, ये सारे जो पैसेजेस है उसको पेपर में एकदम अच्छे तरीके से रीड करना है, समझ लेना है और खुद के मन से 6-7 पॉइंट का आंसर लिख के आना है, क्योंकि आपको 3 मार्क्स चाहिए तो आपको 6 पॉइंट तो आराम से लिखने पड़ेंगे। तो 6 से ज्यादा पॉइंट लिख के आना कि जिससे कि आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाए। स्वमत आपको 3 से 4 बार आने वाला है तो याद रखना भाई। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपठित गद्य पे। अब ये जो पठित गद्य है, जैसे कि मैंने बच्चा लोग को पूछा जो कि सेमी और मराठी मीडियम के थे, उन्होंने बोला कि दीदी पठित गद्य हमें बहुत ही ज्यादा इजी गया और अपठित गद्य भी हमें बहुत ही ज्यादा इजी गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपेक्षित से लिंक था। तो आपको क्या करना है, बस अपठित गद्य अपेक्षित के जाने हैं, सारे रीड करके रखने। ऐसा नहीं बोल रहा कि अपठित गद्य जो है कि आपके अपेक्षित से जाएंगे, पर हो सकता है कि आ सकता है और आपकी जो प्रैक्टिस हो जाए अपठित गद्य की अपेक्षित से, उसका जो उससे जो आपको हेल्प हो एग्जाम में सॉल्व करने को। ठीक है, तो अपठित गद्य में आपको सबसे पहले क्या आने वाला है, देखो आकृति बंध पूर्ण करें, यानी कि ऐसे कुछ आकृति दी जाएगी, फ्लो चार्ट दी जाएगी, वो क्या आप करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है जो कि आपको आने वाला है 2 मार्क के लिए। उसके बाद देखो कधी ते लिहा, यानी कि ये पर्टिकुलर बात दे दी गई यहाँ पे, जैसे कि बता गया है आई थकनार नहीं, आई थकनार नहीं, कधी ते लिहा, क्यों थकनार नहीं, कधी थकनार नहीं, ये आपको लिखना है, इस पर्टिकुलर पैसेज में से आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं विभाग 2 पे, दैट इज पद्य। ठीक है, विभाग 2 पे हम जाएंगे जो कि पद्य विभाग है हमारे। देखो कविता के आधारित सूचना अनुसार कृति करें, यानी कि कविता के आधार पर आपको क्या करना है, सूचना अनुसार कृति करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको आएगा चौपटी पूर्ण कर। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम इन कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको आएगा चौकटी पूर्ण करा, यानी कि कोई तो डायलॉग दिया जाएगा, कोई तो सीन दिया जाएगा और वो सीन किसके रिलेटेड था ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नाकार लेली गोष्ट, कौन सी नाकार लेली गोष्ट है यहाँ पे आपको देखना है, तू निघालास तेव्हा, पूरा आपको क्या करना है, पूरा पोयम है, देखो नाकार लेस तेव्हा मळ वाटेने जायचे नाकारलेस तेव्हा, तो यहाँ पे आपको कौन सी गोष्ट नाकारली, तो मळ वाटेने जायचे जाण्याची गोष्ट नाकारली, तो यहाँ पे आपको बस लिखना है मळ वाटेने, मळ वाटेने, इतना भी आपने लिख दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंबेडकरांचे स्वागत करणारे, स्वागत करणारे, स्वागत ही वर्ड आपको यहाँ पे पूरी जगह पे देखना है, जो भी देखो खाज खगल्यांनी तुझे स्वागत केले, तो यहाँ पे आपको लिखना है खाज खग्यांनी, खाज खग्यांनी, इतना भी आपने लिख दिया तो आपको क्या होगा, पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, वो आने वाला है। उसके बाद आकृति बंध पूर्ण करा, यानी कि जो फ्लो चार्ट वापस से आपको दिया जा रहा है ये फ्लो चार्ट आपको क्या करना है, पूरे तरीके से क्लियर करना है। थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, खाली पंक्तियांचा सरळ अर्थ लिहा, यानी कि ये जो पंक्ति आपको दी गई है, आपको तो पता है कि आपको एक पर्टिकुलर पोयम दी जाएंगी, पोयम में की 2-3 लाइन्स दी जाएंगी और वो 2-3 लाइन्स क्या करनी है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, तो वैसे ये जो पंक्ति दी गई है इसका सरल अर्थ आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य पे। आप देखो यहाँ पे एक पोयम आपको दी गई है। ठीक है, काव्य सौंदर्य कितने मार्क के लिए आने वाला है, 2 मार्क के लिए। उसके आधार पर आपको क्या करना है, जो पूरा टेबल है उसको आपको क्या करना है, फील कर देना है। ठीक है, ये काव्य सौंदर्य जो है इसका विचार सौंदर्य आपको पहले तो क्या करना है, स्पष्ट कर देना है, यानी कि जो 4 पंक्ति आपको दी गई है, 4 लाइन आपको दी गई है वो क्या बता रही है, ये विचार स्पष्ट आपको करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। उसके बाद आपको ये पूरा टेबल फील करना है,
प्रस्तुत कवि थे, ची कवि कौन है यानी कि उनका नाम क्या है, ठीक है। फिर प्रस्तुत कवि थे, ची विषय वगैरह आपको बताना है, ठीक है। ये सारे बता के आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ई वाला प्रश्न हमें कैसा आने वाला है, ई आने वाला है खाली दिलेला काव्य पंक्तिंचे रस ग्रहण करा। अब रस ग्रहण करा बोलते हो, बोलोगे दीदी रस ग्रहण करा, ये वाला वीडियो, ये वाला जो टाइप है हमें बहुत ही ज्यादा हार्ड जा रहा है। तो देखो मैं आई कार्ड में बता दे रही हूँ, ये जो रस ग्रहण वाला है आपको देख लेना है, ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वीडियो एक बार आपने देख लिया तो आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखना, 1.25, 1.50, 1.75 जितने स्पीड पे देखना है देख लो, पर एक बार वीडियो देख लो पूरे के पूरे 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। उसके बाद आता है हमारा विभाग 3, रहते स्थूल वाचन। आप बोलोगे यार दीदी स्थूल वाचन बहुत सारे हैं, कौन सा लर्न करें क्या लर्न करें समझ नहीं आ रहा, तो कुछ टेंशन लेना नहीं है, और एक वीडियो बता दी उसमें सारे इंपॉर्टेंट स्थूल वाचन बता दिए, वो वाला वीडियो कर लो, आपको स्थूल वाचन एकदम ईजी जाएगा और आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं विभाग 4 दैट इज भाषा अभ्यास, ठीक है। भाषा अभ्यास में देखो आपको क्या आएगा, जो भी व्याकरण है, जो भी ग्रामेटिकल चीजें हैं, उस ग्रामेटिकल चीजों पर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको आएगा शब्द सिद्धि, यानी कि कौन सा टाइप के शब्द है ये आपको बताना है। वाक्य प्रचार भी आप लोगों को आता ही होगा। शब्द संपत्ति में आपको क्या क्या आएगा, आपको आएगा अपोजिट्स, आपको आएगा वचन बदला, आपको आएगा अर्थ लिहा, ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको मैं बोलती हूँ एक एक वर्ड दिया जाएगा, उसके 3-4 वर्ड्स लिखने हैं, उस वर्ड का मीनिंग बताना है, वो आपको आएगा। फिर आपको आएगा लेखन नियम अनुसार लेखन करा, लेखन नियम अनुसार यानी क्या, जहाँ पे कॉमा लगता है वहाँ पे कॉमा दो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क चाहिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह चाहिए वहाँ पे उद्गारवाचक चिन्ह, ये सब आपको करना है। लास्ट में आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन जो आ सकता है दैट इज कि आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं जूम इन करके बताती हूँ, यहाँ पे आपको दिया गया है कॉमा, ठीक है। तो इस कॉमा को मराठी में क्या बोलते हैं, उस विराम चिन्हों को नाम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है इनका नाम मराठी में क्या है ये आपको बता देना है। उसके बाद पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द मुझे गारंटी नहीं है, मुझे पता नहीं है इतना परफेक्टली कि इंग्लिश वाले मीडियम को ये आ रहा है या नहीं, बट आता भी होगा और नहीं भी आता होगा तो बस एक बार देख लो कि पारिभाषिक शब्द क्या होता है। जो भी आपको इंग्लिश में शब्द दिया जाता है जैसे टैक्स, उसको मराठी में क्या बोलते हैं वो आपको लिख देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं विभाग 5 दैट इज उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन खाली कृति सोड़वा, अब आपको पत्र लेखन आ रहा है दैट इज 6 मार्क के लिए, ठीक है। खाली निवेदन वाचा व त्या खाली कोणतेही एक कृति सोड़ा, यानी कि क्या करना है आपको वृक्ष वल्ली यहाँ से लेके यहाँ तक ईमेल तक आपको पूरा पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको 2 दिया गया है, ठीक है, एक आपको दिया गया है फॉर्मल लेटर, एक आपको दिया गया है इनफॉर्मल लेटर। अब आपको आज ही तय करके रखना है कि आपको फॉर्मल लेटर करना है या आपको इनफॉर्मल लेटर करना है। जो भी लेटर आप तय कर रहे हो कि आपको ये करना है, सिर्फ उसी का फॉर्मेट पढ़ के जाओ और वही वाला लेटर लिख के आओ, आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज आ। अब यहाँ पे देखो खालील पैकी कौनता ही 2 कृति सोड़वा, यानी कि जाहिरात लेखन है, बातमी लेखन है, तो इस कथा लेखन, इन तीनों के बदले आपको बस 2 ही सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो जाहिरात लेखन तो फिक्स रखो कि आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि जाहिरात लेखन बहुत ज्यादा ईजी होता है, और बातमी लेखन भी कथा से ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चों की इमेजिनेशन पावर उतनी नहीं होती है, और कथा लेखन में हम कुछ भी कथा बना के आ जाते हैं तो मालूम मतलब उतने मार्क्स नहीं मिलते, तो आप बातमी लेखन कर सकते हो। पर अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इमेजिनेट करके आता होगा चीजें, तो आप कथा लेखन कर सकते हो। बस इसमें से आपको एक बात जो फिक्स रखनी है दैट इज जाहिरात लेखन, और आपको पूरे 10 मार्क आराम से मिल जाएंगे, यानी कि जाहिरात लेखन 5 मार्क के लिए, बाद में लेखन 5 मार्क के लिए, तो आपको 10 मिल जाएंगे। जो जाहिरात और कथा लिख रहा है उसको 10 मार्क मिलेंगे, ठीक है, 5-5 मार्क ईच क्वेश्चन। उसके बाद लेखन कौशल्य, लेखन कौशल्य में देखो आपको क्या है, खालील पैकी कौनते ही 1 कृति सोड़ा, यानी कि यहाँ पे आपको आ रहा है प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन। इन तीनों के बदले आपको कितना करना है, बस सॉल्व एक सॉल्व करना है और आपको पूरे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 8 के 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखो मैं तो बोलती हूँ भाई कि ये जो वैचारिक लेखन है, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। जल प्रदूषण समस्या व उपाय या विषय पर तुमसे विचार स्पष्ट करा। जल प्रदूषण यानी कि क्या, वाटर पॉल्यूशन की जो समस्या है और उसके जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखने, कितना ज्यादा ईजी था। तो अगर आपको ये पेपर में आ जाए तो आप यही करना, वैचारिक भी बहुत ज्यादा इजी होगा, आत्मकथन भी बहुत ज्यादा इजी होगा, यानी कि जो यहाँ पे जो भी चीज दी गई है आरसा यानी कि क्या, मिरर के यहाँ पे देखो निर्मिति क्या है, कैसा बनता है आनंद, जो क्षण मिरर के खुशी के पल कौन सा होता है, यानी कि खुद को उस मिरर की जगह पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोल दिया आत्मलेखन करो पुस्तक का, तो आपको क्या करना है, इस पुस्तक की जगह पे खुद को लिखना है और बोलना है कि जब बच्चे मुझे पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब बच्चे मुझे फेंक देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे खुद को रखना है और उसके
की पूरी आत्मकथा आपको करनी है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। सेकंड और थर्ड में से अगर आप कोई भी एक कर देते हो और डेढ़ पेज का लिख के आते हो तो आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक से डेढ़ पेज आप लिखोगे इतना आप ट्राई करना, क्योंकि बच्चा लोग 8 मार्क का है। तो देखो पेपर एक्सप्लेन करके तो हो गया, ठीक है। मेन मेन चीजें मैंने बता दी कि स्थूल वाचन आपको कहाँ से करना है, रसग्रहण कहाँ से करना है, ठीक है, और जो विभाग पाठ हमारा कौशल्य लेखन है, ठीक है, कौशल्य लेखन आप बोलते हैं या अदरवाइज आप क्या बोलते हो उसको, दैट इज उपयोजित लेखन, ठीक है। उसमें से भी आपको कौन कौन सा सॉल्व करनी है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। एक रोड मैप भी बता देती हूँ कि आज आपको क्या क्या करना है। आज आपको जो भी अपठित गद्य है, पठित गद्य है, ठीक है, पद्य है, वो आपको क्लियर करना है। और कल जो है कल वो लर्निंग का रखना है। कल आपको सारे के सारे जो हम बोलते हैं ना रसग्रहण वापस रिवाइज करने, एप्रिसिएशन वापस रिवाइज करने, स्थूल वाचन वापस रिवाइज करने और फॉर्मेट्स वापस रिवाइज करने। आज जो भी सॉल्व करने के क्वेश्चन होंगे आज कर लो, ठीक है, आज कर लो। और 3 तारीख को जो होंगे जो भी लर्निंग के क्वेश्चंस होंगे वो वापस वापस रिवाइज करो, क्योंकि 4 तारीख को आपको लर्निंग के क्वेश्चंस फिर से याद आने चाहिए। और मैं आपको और एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने बच्चों को पूछा कि पेपर इजी था हार्ड था, तो बच्चे बोल रहे कि दीदी पेपर इंटरमीडिएट था, ठीक है, मीडियम पेपर था और पेपर 2.5 से पौने 3 घंटे में ही सॉल्व हो जाता है, पूरे 3 घंटे नहीं लगते। तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है, बस आपको क्या करना है जैसे ही पेपर मिले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको फटाफट से क्या करना है, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और मैं और एक बात बता दूं कि पेपर जैसा आप स्टार्ट करते हो, मतलब जैसा पेपर आता है वैसे ही स्टार्ट करो। जैसे कि पहला विभाग पहला, तो पहला ही विभाग सॉल्व करो, क्योंकि बच्चे राइटिंग स्किल्स पहले करते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो जैसे आप जा रहे हो जैसा पेपर दिया गया वैसे ही चेक कर लिखो, क्योंकि टीचर्स को चेक करने को इजी जाता है और टीचर्स को अगर चेक करने को पेपर इजी जाएगा तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते जाएंगे, ठीक है। आपका हैंड राइटिंग अच्छे रखना, पेपर जैसा दिया गया है वैसा सॉल्व करना। और जो रोड मैप बताया, रोड मैप आने की एकदम सिंपल सी चीज बताइए कि जो भी सॉल्विंग के होंगे वो आज सॉल्व करो, जो भी लर्निंग का होगा वो कल करो। तो उतना करके जाना, देखना आपको आराम से 90+ आएंगे मराठी में, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और मुझे कमेंट्स बता देना की फटाफट से नीचे लिख दो #ready#ready#ready, ओके। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एवरीवन, सब्सक्राइब करके जाना, वेटिंग फॉर यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।